देखने तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। सतना जिले में इन दिनों एक के बाद एक हो रही हत्या की घटनाओं का सिलसिला जारी है। बुधवार को एक बार फिर लापता युवक की हत्या कर लाश को पत्थर से भरी बोरी में बांधकर नदी में फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया। मामला रामपुर बघेलान के सिजाहटा का है, जहां बुधवार की दोपहर नदी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय चरवाहों द्वारा दी गई शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव को नदी से बाहर निकाला तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का कर शव को नदी में ठिकाने लगाना प्रतीत हुआ। बताया गया कि मृतक के शरीर पर करीब 50 किलो पत्थर से भरी बोरी बंधी थी। फिलहाल मृतक की पहचान कोलगवा थाना के बाबूपुर चौकी क्षेत्र ग्राम चूली निवासी अजय कोल के रूप में की गई है, जो रीवा के बनकुइया स्थित क्रेशर में काम करता था। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कहीं और की गई है और लाश को नदी में ठिकाने लगाया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि मृतक युवक 11 जनवरी को लापता था, जिसके गुमशुदगी की शिकायत 17 जनवरी को बाबूपुर चौकी में दर्ज कराई गई। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि युवक की हत्या किसने और क्यों की है। फिलहाल पुलिस हत्या करने वालों की तलाश में जुट गई है। माना जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट होगा।